Moving in the series, we are going to continue with the prophase. Okay, and before the prophase, we have to go through the interphase. Interphase is a very important phase because in this phase, cell is going to prepare itself for the cell division. So this is what is the interphase. This is the physiologically the most active phase. And in this nuclear membrane is intact. अभी nuclear membrane को कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम intact है. Nucleoli एकदम prominent, clear cut. Most of the जो DNA है, it started replicated. Some is delayed, कुछ में delay हो गया है. And prolongs into prophase one, जो कि आगे जाकर के prolong करेंगे, मतलब enter करेंगे. क्रोमोसोम्स आर इन पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स. यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिलहाल क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में हैं, वो पेयरिंग करने जा रहे हैं. नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोफेज वन. दिस इज द फेज फ्रॉम वेयर मियोसिस स्टार्ट्स. ओके, तो प्रोफेज वन में आप देख सकते हो द क्रोमोसोम गॉट कंडेंस. दिस क्रोमैटिन थ्रेड्स गॉट कंडेंस, दे बिकम शॉर्ट एंड थिकर. ठीक है, क्रोमोसोम शॉर्टेड एंड द विजिबल एज सिंगल स्ट्रैंड. हियर यू आर एबल टू सी द सिंगल स्ट्रैंड. ओवर हियर यू आर अनेबल टू सी द सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज राइट नाउ दे हैव नॉट डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड स्टिल न्यूक्लियोलस इज प्रोमिनेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंटैक्ट. सेंट्रियोल इज देयर, सेंट्रियोल इज रेडी सो एज टू मेक अनदर कॉपी एंड टू एस्टेब्लिश द स्पिंडल फॉर द सेल डिविजन. सो here in this phase the chromosomes are appeared in the form of beaded structure, beaded appearance of the chromosome. ठीक है, chromosome condense हो गया है, छोटा हो गया है. यहाँ पे chromatin thread कैसा था, पतला लंबा. They got condensed. You can imagine as a thread became in the form of spiral. Okay, so they became beaded appearance of the chromosome. Next, nuclear membrane and the nucleoli intact. अभी सब कुछ available है. और ये है प्रोफेज वन का पहला फेज, लेप्टोटीन फर्स्ट फेज. नेक्स्ट फेज विच वी आर गोइंग टू एंटर इज नोन एज द जाइगोटीन. इन द जाइगोटीन यू आर एबल टू सी दैट टू सेंट्रियोल्स आर अवेलेबल एंड हियर दे बिकेम होमोलॉगस. होमोलॉगस मीन्स वन फ्रॉम द पेटर्नल अदर फ्रॉम द मेटर्नल. दे गॉट एस्टेब्लिश टूगेदर एंड दे मेक अ बाइवेलेंट. बाइवेलेंट मतलब दो का जोड़ा, पेयर, अ होमोलॉगस पेयर. ओके, ये क्या है उनका सेंट्रोमियर और ये है आपका क्रोमोसोम. अगेन आई टेल यू, अभी सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बना है. ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप एंड द मेटर्नल एंड द पेटर्नल क्रोमोसोम्स आर देयर. यू कैन इमेजिन वन इज द पेटर्नल एंड अदर इज द मेटर्नल, मतलब वन फ्रॉम द फादर एंड अदर फ्रॉम द मदर. सो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम सीन एज अ बाइवेलेंट, मतलब दो का जोड़ा, ये बाइवेलेंट बना रहा है इन्होंने. ठीक है, और इसे बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. पेयरिंग प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस. बाइवेलेंट्स फॉर्म द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ये जो जोड़ा बना है, ये जो पेयरिंग बनाई है इन्होंने, इन्हें हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अभी क्या है, क्रोमोसोम्स इसमें शॉर्टेंड हो रहे हैं एंड बिकम्स थिक, और ज्यादा थिक हो रहा है, कंडेंस हो रहा है. न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, अभी धीरे धीरे जो है ये न्यूक्लियोलाई ये डिसअपियर होने के फेज में आने लगेगी. इट विल सीम्स लाइक दिस वन. ओके, एंड स्लोली इट विल डिसअपियर. ओके, सो क्रोमोसोम शॉर्टेंस एंड द बिकम थिक एंड द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर्स आफ्टर दिस फेज. सो दिस इज व्हाट इज द बिगनिंग. सो हियर यू हैव सीन दैट लेप्टोटीन में क्या है, क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस आ जाता है जो कि पहले क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में थे. सी, मेक इट क्लियर व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन इन द ईच फेज, इट शुड बी क्लियर कट. यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम ने कंडेंस हुआ, बीड अपीयरेंस किया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जोड़ा बनाया. दे मेक द पेयर. पेयर बनाने में क्या हो गया, सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या फिर बाइवेलेंट आप बोल सकते हो. एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज अ होमोलॉगस पेयर. होमोलॉगस पेयर में क्या है, वन इज फ्रॉम द पेरेंट दैट इज फ्रॉम द मदर एंड अदर इज फ्रॉम द फादर. सो दैट इज अ वे दे आर मेकिंग द पेयर टूगेदर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑल्सो नोन एज बाइवेलेंट. और बिकॉज दे आर मेकिंग दिस पेयर सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. So this is about the zygotene and the next phase which we are going to do is the leptotene, zygotene. Then next phase our remaining is the diplotene, diakinesis. All these phases are there which we are going to continue in the next video.